मान लीजिए जिंदगी कितना बदला है। अभी मत पूछेगा कि आगे कब। ये कौन कौन चीज का है? वो है रिंग सेरेमनी का है, अब बाकी दो शादी विवाह मिलता है उसे। अच्छा, मतलब अपने पहले से नहीं पहने थे? तभी पहले से पचपन को पहनते थे। उनको तगड़ा जवाब देने के लिए आपने तुरंत तुरंत में शादी तो नहीं किया? सोचने पर मजबूर कर दिया। बाकी ये चीज इन मेरे भाई लोग से पूछ सकते हैं आप कि हमने जो कि मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगा। वेलकम टू बैक, फिर से नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी आपको मिलाते हैं, मीडिया वाले आए हैं शिवेश झा से मिलने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए। तो दिखाते हैं क्या क्या सवाल जवाब होता है और वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं मीडिया वाले क्या क्या सवाल जवाब करते हैं और आपको सुनाते हैं। चलिए, गरीब लोग आए, RJD के नेता है, BJP के नेता है, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग किसी पक्ष से नहीं होते हैं, हम लोग सबको सपोर्ट करते हैं, जो हमको मानते हैं उनको हमको मानते हैं। तो कल हरा गमछा भी देके सम्मान किया गया हमको, यहाँ पर लाल गमछा भी देके, पीला गमछा भी। गमछा किनका किनका क्या है इतना भी हमको पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि हरा गमछा RJD का है और RJD लिखा हुआ था उस पर, और पीला गमछा BJP का है, वो भी हमको देके गए। तो हम सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, आपका ऑफिस जैसे काम वाम करते हैं तो घर से ही है या? नहीं, पटना से। पटना से तो घर पे कब तो आते हैं? घर पे हम सप्ताह में गिना ही जाते हैं। यानी ये पुश्तैनी घर हो गया आपके यहाँ? हाँ, पुश्तैनी हमारा हुआ मधुबनी था, पुश्तैनी। अच्छा, मधुबनी था, रहिका जिले, रहिका गाँव। अच्छा, लेकिन फिर यहाँ आके हम लोग बाप दादाजी परदादा लोग बसे आके, तो तब ये हो गया यहाँ से। भाभी कितने पढ़ी है भैया? लोक गायक शिवेश मिश्रा जी को उनके आवाज से देख रहे हैं। आज उनके शादी के बाद का बहुत बड़ा रिसेप्शन हो रहा है और हमारे साथ जो सामने में चमचमाता हुआ चेहरा है वो शिवेश मिश्रा का है। बड़ा एक कठिन सवाल रहेगा इनके लिए, इनका विवाद, इनका जो है नाता हमेशा विवाद से रहा और विवाद एक ही रहा है कि ये जिस एक्टर को बुलाते हैं वो प्रोग्राम में या तो आकर इनको धोखा देते हैं या आते ही नहीं है। कितना सब, दिल सब नहीं करते हैं ऐसा। दो दो चार का नाम, माही मनीषा और अक्षरा सिंह। माही मनीषा जी से बात हुई मेरी परसों और वो खाली नहीं थी, तो वो भी हो गया। हम लोग हम एक दूसरे पर थोड़े मन लिए तलवार से नहीं करते हैं, मतलब एक मन में दुख था ना आपके। दुख तो मेरे मन में था, उनके भी मन में। कहा हुआ बात जो असफल हो गया तो आपको तो बहुत तकलीफ, किसी को तकलीफ हो, बिल्कुल। फिर बात खत्म हुई, अब हम लोग काम करेंगे साथ। अच्छा, मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि तमाम जो एक्ट्रेस थी या डांसर थी वो जो आपको धोखा दिए हैं उनको तगड़ा जवाब देने के लिए आपने तुरंत तुरंत में शादी तो नहीं किया? हम सोचने पर मजबूर कर दिए। बाकी ये चीज इन मेरे भाई लोग से पूछ सकते हैं आप कि हमने जो कि मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगा। नहीं भैया का साथ पहले। एक्चुअली आप ये बताइए कि इतने सारे भाई लोग हैं, आप किन्हीं के पास माइक लेकर पूछ दीजिए, अगर मैंने इन लड़कियों के लिए चाहे जो भी हमारे साथ गलत किए वो हमारे साथ गलत नहीं किए, जितने इस वहाँ पर देख रहे दर्शक हैं उनके साथ, उनके मुंह पर मतलब तमाचा पड़ा, मेरे मुंह पर नहीं पड़ा, तमाचा पड़ा। दर्शकों का मेरा 3 लाख रुपया गया, कोई बात नहीं, 3 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन वहाँ के दर्शक का तो दिल टूटा ना, और उस दर्शक के लिए मैं लड़ा, अपने लिए नहीं लड़ा। बिल्कुल, रहा 3 लाख रुपये की बात, 3 लाख वो देंगे, अभी भी मैं कहता हूँ सारे मंच पे बाजार पे कि इस जगह पे कि अगर आपको 3 लाख रुपया देती है तो मैं आपको तो माफ करूंगा ही, पूरा भोजपुरी समाज माफ करेगी, और वही 3 लाख रुपया मैं उस मंदिर में दान करूंगा, अपने नाम से नहीं, पूरे भोजपुरी समाज के नाम से दान करूंगा जहां कार्यक्रम हुआ था। आप दीजिए, वो मेरा ही पैसा है। जबरदस्त। इस संबंध में कुछ बात की थी आपकी अक्षरा? नहीं, कुछ बात नहीं, वो नहीं देंगे हमको, पता है केस लड़ेंगे, उनके पापा ने बोले 5.5 लाख है तुम्हारा, औकात क्या है। अच्छा शिवेश भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा, लेकिन चाचा जी को प्रणाम हमारे दसों नौ जोड़ के। क्या कहना चाहेंगे शादी के मौके पर? बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हाथ में आप लोग देख रहे हैं 3 जबरदस्त अंगूठी है, ये कौन कौन चीज का है? वो है रिंग सेरेमनी का है, अब बाकी दो शादी विवाह मिलता है उसे। अच्छा, मतलब अपने पहले से नहीं पहने थे? तभी पहले से पचपन को पहनते थे, इतना अच्छा, इसमें दाग, इसमें दाग जो हो जाता है ना, हाँ। उसे हटा दिया, यानी पहले मन भर गया था। अब 3 ही रखना है क्या? आप सोच रहे हैं कि ये नहीं, आप ससुराल में भी रहना है। अच्छा, शादी का 4 दिन आपका हो गया लगभग, कितना दिन हुआ? 4 ही दिन मान लीजिए, चाहे 3 दिन ही मान लीजिए। अच्छा, 3 दिन मान लीजिए, जिंदगी कितना बदला है? अभी मत पूछेगा कि आगे कब। वो सवाल मेरा नहीं होगा, कैमरा थोड़ा पीछे रख के, जिंदगी कितना बदला है?
नहीं भाई, बदलाने हैं, बदलेगा तो बताएंगे आपको पक्का। खबर 247 आपका हमेशा इंतजार करता रहेगा, और आप आपके लिए, आपसे दूर रह के भी मैं सीतामढ़ी से ही आपके लिए लड़ा हूँ। हमारे चैनल पे आप वीडियो देखिएगा, 3-4-5 बहुत सारे लोग लड़े हैं, उन सबों को दिल से धन्यवाद। और सबसे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया उन मेरे विरोध में, जितने लोग बनाए हैं वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, कमेंट में पढ़ लीजिएगा तो दिल खुश हो जाएगा आपका। बिल्कुल, कि सारे लोगों ने 99.9% लोगों ने मेरा सपोर्ट किया जी, और 0.1% लोगों ने उनका सपोर्ट किया। तो इसी से पता चलता है कि लोग कितना प्यार करते हैं। आप लड़की हैं लेकिन हम लड़के अगर अच्छे दिल के हों तो आप मेरे से कमजोर हैं। बिल्कुल, हम अच्छे हैं और सच का साथ देते हैं, सच के साथ रहेंगे हमेशा। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न सवाल रहेगा, जब आप अपनी हम पत्नी के साथ फेरे ले रहे थे तो आप लोग गायक हैं, आपके दिमाग में तो हमेशा कोई ना कोई गाना आता रहता है, तो फेरे लेते वक्त में क्या गाना आ रहा था? आप भी कैमरा में न्यूज रिपोर्टर है, बताइए जब आदमी डूबता है तो पानी में उसको आप ही काहे पूछते हैं सर डूब रहे कैसा लग रहा है? आपको दिल करना चाहिए कि हाथ दे रहे बचिए पहले, आप कहते हैं डूब रहा है कैसा लग रहा है? अगर हम बचाने आ जाते तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन मैं होता, डूबते सवाल पूछ के निकाल। एगो गाना भैया, एक गाना भाभी के लिए, आपका मन पसंद है? पीछे की तरफ हां बढ़िया सा, तुझको जी भर के मैं देखूं, जियो मुझे हक है, तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है। एक विवाह फिल्म का गाना था, छोटा सा साजन नन्ही सी दुल्हन डोली सजी हुई द्वार खड़ी है, क्या कर रहे हैं समझ, जिसका विवाह रचाया जाए बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है, आज ही ले जाएगा विदा कर, आज ही ले जाएगा विदा कर, दूल्हे ने ये जिद पकड़ी है, बेटी पूछे बाबुल से अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है, बेटी पूछे बाबुल से अरे भेजने की क्या जल्दी, ताली हो जाए एक बार। ताली 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 ताली। और एक बात और, हम अपने शादी से बहुत खुश हैं जी, और अनोना खा के जिंदगी बिता रहे हैं अभी, और आज दिन भर सुबह से भूख है, इतना खुश है आप सोच लीजिए। तीन दिन ही बिता ना भाई, जिंदगी नहीं लगेगा भी नहीं, क्योंकि अभी आपका दसों अंगुली घी में और सर कराही में आपका भी कभी रहा होगा कराही, हमारा तो जल गया आप उजला आए हैं भाई। अच्छा एक सवाल और, अब तो शादी शुदा हो गया, शादी के बंधन में बंध गए, यानी घर में कोई हिसाब किताब लेने वाली आ रही है, तो क्या अभी भी स्टेज शो पे जिस तरह से आप लड़कियों के साथ डांस होगा, कलाकारी है वो, अगर लोग समझते हैं कि इसका इससे फसान हो गया तो बेवकूफ लोग, हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, कलाकारी करते हैं, अगर हमको अकेले सुन ले आदमी तो इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा आजकल वो प्रचलन हो गया कि लड़की के साथ डांस, भाभी का वो भी थोड़ा सा ये, अच्छा कैमरे में देखिए अभी हमारे साथ सकते हैं उनके साथ वीडियो, हमने बोला पापा लोग बना किया, थैंक यू भैया हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ दिवेश मित्रा भैया हैं और एक और सवाल पूछने वाले हैं हम, शादी जो है और जो कार्यक्रम है, आपके शादी में जो खर्चा हुआ आपका अपना कमाई है या पप्पा भैया दिए? आपके भैया के बारे में कहा जाते हैं, भैया मेरे विदेश में काम दुबई में काम नहीं करते हैं, दुबई में इंजीनियर भी नहीं है, दुबई में उनका अपना जॉब है, अपना खुद का कंपनी खोल के खुद के मालिक है। तो ये शादी का खर्चा पूरा आप अपने उठाए हैं?